Hey guys, welcome back to Root Thinking Channel. आज की वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम फिर से 8 सिमिलर कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में भी हमने 8 सिमिलर कंफ्यूजिंग वर्ड्स डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो आप उसे भी जरूर देख लीजिए। अब कई बच्चे ये सोचते होंगे कि 8 ही क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि एक साथ अगर मैंने आपको 50 करवा दिए, 100 करवा दिए, 150 करवा दिए या 20 करवा दिए, आपको मेमोराइज तो होने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर आप शॉर्ट शॉर्ट की वीडियोस में ये रेगुलर फॉलो करेंगे इन वीडियोस को और रेगुलर बेसिस पे इनकी रिवीजन करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में भी आएंगे और आपको इनको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मेरा मकसद बस इतना है कि इंग्लिश के साथ आप कंफर्टेबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को एक बर्डन की तरह देखें कि अरे 1000 वर्ड हैं, अरे इतने वर्ड हैं। तो इससे बेटर है कि हम रोज छोटे छोटे 8 सेंटेंसेस करेंगे। अब देखिए 8 है, लेकिन 8 में भी हम पर्टिकुलर एक जो पार्ट होता है उसमें दो दो वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। तो एक वीडियो में हम 16 वर्ड मीनिंग तो ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड है अफेक्ट और इफेक्ट। तो अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस मतलब कि किसी को प्रभावित करना। ठीक है जी। यानी कि एक ऐसी चीज जो किसी चीज को प्रभावित करती है, तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं अफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ डिजीज दैट अफेक्ट्स मेनली ओल्डर पीपल। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? ज्यादातर बूढ़े लोगों को, ओल्डर पीपल को। ठीक है जी। अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट किस चीज का आता है? रिजल्ट किसी एक्शन का हो सकता है, आपके किसी काम का रिजल्ट आएगा। आपने कुछ किया होगा तभी तो किसी चीज का रिजल्ट होगा ना। तो जब रिजल्ट की बात होगी तब वहां पे इफेक्ट लिखेंगे। ठीक है। और जब वहां पे किसी भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शंस की बात होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर एक्शन सीरीज है और उन एक्शंस के होने के बाद जो रिजल्ट आया है, तो वहां पर इफेक्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई एम सफरिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ टू लिटिल स्लीप। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आई एम सफरिंग, मैं जूझ रही हूँ, मतलब कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। किस चीज से? फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ टू लिटिल स्लीप। अब बहुत कम सोने के इफेक्ट, अब बहुत कम सोने का एक्शन हुआ है मेरे द्वारा, तो उसका क्या पड़ेगा? उसका पड़ेगा प्रभाव, इफेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस और एडवाइस। देखिए इसमें बिल्कुल ही माइनर सा सी ई वाली जो स्पेलिंग है और एस ई, बस लास्ट में चेंज है सी ई और एस ई। एडवाइस हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें एडवाइस लेनी होती है। ठीक है, हम किसी से बोल रहे हैं कि आप हमें अपनी एडवाइस दीजिए। जब हम किसी से अपनी राय मांगते हैं तब हम एडवाइस यूज करते हैं। एडवाइस वहां यूज होता है जहां पे कोई अपनी राय देता है। समझ गए? एडवाइस दे रहा है, दैट मींस कि वो क्या कर रहा है, वो गाइडेंस दे रहा है किसी ना किसी चीज पे। एडवाइस जो है पॉजिटिव चीज ही है। पॉजिटिव वे में आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, और जब वो दे रहा है तो एडवाइस दे रहा है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई नीड सम एडवाइस ऑन विच कंप्यूटर टू बाय, कि मुझे एडवाइस चाहिए, मतलब मुझे चाहिए ना, तो मैं ले रहा हूँ, लेने की बात कर रहा हूँ, तो सी ई यूज होगा। ठीक है, कि मुझे कौन सा कंप्यूटर खरीदना चाहिए। एडवाइस वहां पर जहां पर किसी गाइडेंस की बात होगी, सजेशंस की बात होगी, देने की बात होगी। तो जैसे हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट स्मोकिंग, कि उसकी डॉक्टर ने उसे स्मोकिंग ना करने की सलाह दी। जब देना है तो एडवाइस आएगा और जब लेना है तो एडवाइस आएगा। समझ गए होंगे स्पेलिंग्स में, बस सी ई और एस ई एग्जाम में आता है ये बार, बहुत बार। नेक्स्ट वर्ड है अलाउड और अलाउड। अलाउड का मतलब होता है परमिशन है, यानी कि आपको किसी चीज की परमिशन चाहिए होती है। जब किसी से आप परमिशन मांगते हैं और वो आपको परमिशन दे देता है, तब हम वहाँ यूज करते हैं अलाउड। कि यानी कि आप बोल रहे हैं कि क्या सर मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो सर बोलते हैं हाँ जी आप जा सकते हैं। तो मतलब कि आपको
अलाउड है वहां जाना। तो जब परमिशन लेते हैं तब हम यूज करते हैं अलाउड, और ALOUD अलाउड का मतलब होता है जोर से आवाज, यानी कि एक ऐसी आवाज जो थोड़ी जोर से हो, मतलब कि तेज की। ठीक है, चिल्ड्रन लव टू हैव स्टोरीज रीड अलाउड टू देम। चिल्ड्रन को क्या पसंद आता है कि जब वो स्टोरी सुने ना तो वो तेजी से पढ़ी जाए उनके पास, तो उन्हें वो पसंद आता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्ट का मतलब होता है रिसीव करना। रिसीव क्या करेंगे, किसी के भी सजेशंस रिसीव कर सकते हैं, किसी का भी गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है उस चीज को मान लेना, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। हिंदी में वर्ड होता है इसका स्वीकार कर लेना। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। हिंदी में वर्ड होता है के अलावा, मतलब कि जिस भी चीज की बात कर रहे हैं उसको छोड़कर। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब हो गया किसी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब हो गया उस चीज को छोड़ना जिस चीज की बात कर रहे हैं। अब देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर ऑफ द प्लान, कि मैं इस प्लान के फेल होने की फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट का, इट्स कूल एंड क्वाइट एवरीवेयर एक्सेप्ट इन द किचन, सब जगह है बिल्कुल ठंडा है लेकिन किचन में नहीं है। किचन में क्यों नहीं है, क्योंकि किचन में खाना बनता है, वहां गर्माहट रहेगी, तो एक्सेप्ट इन द किचन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एल्यूड और एल्यूड। एल्यूड, ALLUDE, इसका मतलब होता है संकेत करना। अब संकेत करना मतलब कि कई बार ऐसे होते हैं ना कि हम किसी को बिना बताए, जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर में कोई चोर घुस आता है तो आप पुलिस को इशारों से फोन करके बताते हैं कि आपको, चोर को पता नहीं लगने देना चाहते कि आपने पुलिस को फोन किया है, तो आप इशारों से उनको फोन करके ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि आपने किसी घर वाले को फोन किया है, लेकिन आप बात किससे कर रहे होते हैं, आप बात कर रहे होते हैं तो पुलिस से। तब आप संकेत में उनको अपने घर का एड्रेस बता देते हैं, अपनी सिचुएशन बता देते हैं, तो वहां वर्ड यूज होता है एल्यूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही एल्यूडेड टू प्रॉब्लम्स विद द न्यू कंप्यूटर्स, उसने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो नए कंप्यूटर के साथ में सांकेतिक रूप में समझ ली। ठीक है, एल्यूड, ALUDE का मतलब होता है चालाकी से कहीं से बच निकलना। एल्यूड का मतलब होता है किसी सिचुएशन से एक्सेप्ट हो जाना, किसी चीज से बिल्कुल चुपचाप निकल लेना अपनी स्किल्स का यूज करके। कई बार ऐसा होता है ना, अरे वो तो बड़ा चालाक था, कितनी चालाकी से निकल गया इस सिचुएशन से, तो वहां हम यूज करते हैं ALUDE, एल्यूड। और ALLUDE का मतलब होता है संकेत करके, जब हम अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं तब हम लिखते हैं एल्यूड। नेक्स्ट वर्ड है एट और एट। प्रोनंसिएशन दोनों का सेम है, बट ATE क्या है, ATE जो है वो ईट की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सेकेंड फॉर्म मतलब कि जब हम पास्ट में ईट का मतलब होता है खाना, खाना खाना, जब हम खाना खाते, खाने की बात कर रहे होते हैं, तो जब हम पास्ट में कि हाँ मैंने कल खाना खाया था, तो पास्ट की बात करते हैं तो सेकेंड फॉर्म आती है, तब हम एट यूज करते हैं, ATE। तो उसका मतलब भी सेम होगा कि खाने को खाना, खाने को कैसे खाते हैं, माउथ में लगाते हैं, मुंह के अंदर खाना डालते हैं, च्यू करते हैं, उसको स्वेलो करते हैं, मतलब चबाते हैं और उसको गटक जाते हैं, तो वो क्या होता है एट खाना। EIGHT नंबर है, जब हम ये जो नंबर है आठ, आठ को इंग्लिश में लिखते हैं तो EIGHT लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बाय और बाय। BY क्या है, एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन क्या शो करती है, कुछ काम शो करती है, कि किसी भी पर्सन या चीजों के द्वारा कुछ काम किया गया है, तो प्रपोजिशन के द्वारा शो करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी वर अमेज्ड बाय व्हाट शी टोल्ड अस, हम बहुत आश्चर्यचकित थे किस चीज से, जो उसने हमें बताया। अब उसने बताया ना, उस चीज से आश्चर्यचकित थे, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम ये वाला बाय लगाएंगे। ठीक है, अब BUY, बाय का मतलब होता है खरीदना,
जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, कपड़े, खिलौने, बर्तन, कुछ भी खरीद रहे हैं, तब हम बी यू वाई लगाएंगे, बाय, ठीक है। जिसके बदले हम पैसे देते हैं और चीजों को खरीदते हैं, तब हम बाय यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल और कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, ठीक है, जैसे कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी होती है किसी भी एक रीजन की। और दूसरी कैपिटल का मतलब होता है कांग्रेस का सदन, ठीक है जी, जहाँ पे कांग्रेस के मंत्री वगैरह बैठते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।